अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। मैं आज अपने घर में सोलर प्लेटें लगवा रहा हूँ। सोलर प्लेटें मैंने ली हुई, ये 6 सोलर प्लेटें हैं। 6 सोलर प्लेटें के ऊपर मेरा घर चलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ऑन कर दूं। आज कोशिश करेंगे 2 प्लेटें और ले लेंगे। सोलर प्लेटें छुट्टी हो चुकी है, 23,000 या 25,000 की सोलर प्लेट हो चुकी है, क्योंकि जब से वो शीट आई है, सोलर शीट आने की वजह से इनकी मार्केट क्रैश कर गई है। तो गाइस, आप लोग भी लगवाएं सोलर प्लेटें, और बिजली के जो यूनिट इतना महंगा हो चुका है, बिजली के जो हमें बिल आते हैं जी, 20-20, 25-25 हज़ार, कभी 40,000 बिल आ रहा है, कभी कितना आ रहा है। हम ऐसे भी नहीं चला सकते, डर डर के बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप भी सोलर प्लेटें लगवाएं जितना जल्दी हो सके, क्योंकि अब मार्केट डाउन हो चुकी है, काफी डाउन हो चुकी है। आम मिडिल क्लास आदमी लगवा सकते हैं। तो इसके लिए सोलर प्लेट लगवाने के लिए इसके साथ जो इन्वर्टर होता है वो मैंने लिया। इन्वर्टर मुझे मिला है तकरीबन कोई 30-32 हज़ार का मिला है। वो इन्वर्टर बहुत अच्छा है। इन्वर्टर आमतौर पर होते हैं तकरीबन कोई मिलते हैं 4 रिले वाले, मेरे पास 8 रिले वाला इन्वर्टर है। उसके अंदर बेहतरीन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये मैंने किसी एक बंदा खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है घर के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, मैंने उससे लिया इन्वर्टर। तो आइए मैं आपको इन्वर्टर दिखाता हूँ। इन्वर्टर बहुत अच्छा है गाइस, ये देखें, ये इन्वर्टर है। ये मैंने ये इन्वर्टर लिया है, ये जी मुझे 33,000, फाइनली मैंने उसे 33,000 का लिया इन्वर्टर। तो आप देखें, ये अच्छा इन्वर्टर है, क्योंकि ये इन्वर्टर मेरे पहले जो रिश्तेदार हैं, खानदान में लोग हैं, वो इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके ही मैंने मशवरे पर लिया है कि कह रहे हैं कि अच्छा है, इस पर एसी भी चल जाएगा, लोड जितना डाल लेंगे अच्छा लोड जो है ना ये बर्दाश्त कर सकता है। और इसके अंदर एक और खासियत है, इसके अंदर एक मीटर लगा होता है। अगर आपकी लाइट जैसे सूरज मदहम होती है, कुछ भी होती है, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाता है, ट्रिप कर जाता है कि आपकी जो बिजली के घर में आलात हैं वो ख़राब नहीं होंगे इससे। ये बहुत अच्छा इन्वर्टर है गाइस। मैं अब ऊपर जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि जहाँ मैंने सोलर सिस्टम लगवाया है, लगवाने के लिए मैंने स्टैंडे लगवाई हुई है। स्टैंडों के नीचे जो है मैंने जगह भी पक्की करवा ली है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, आपको स्टैंडे दिखाऊंगा कि स्टैंडे कैसे बनवाई है। स्टैंडों पर यार कोई अच्छा भला खर्चा आया है, मतलब 25-30 हज़ार रुपये स्टैंडों का लगा है, सिर्फ स्टैंड मैंने बनवाई है। अब मैं ऊपर जाऊंगा, मैं आपको स्टैंडे दिखाता हूँ। गाइस ये देखें, ये स्टैंडे बनवाई हुई हैं ऐसे, मैंने ये खुद इधर तैयार करवाई थी, बनी बने नहीं मिली थी, खुद तैयार करवाई हैं। ये एंगल खुद खरीदे थे, खरीदने के बाद जो है मिस्त्री आया था यहाँ पे, उसने मुझसे जो अपनी वो ली थी लेबर 5,000 लेबर ली थी, उसके बाद इसने मुझे सेट करके दी थी स्टैंडे। ये स्टैंडे तैयार हैं, ये नीचे इसके जी ये पिलर बने हुए हैं, ये देखें मैं आपको पिलर दिखाता हूँ। ये देखें, ये नीचे पिलर बने हुए हैं, ये स्टैंड बनी हुई है, ये वाली भी स्टैंड बनी हुई है, और ये बनवाई मैंने 8 के लिए है, मतलब 8 प्लेट आ गई हैं। फिलहाल मेरे पास 6 प्लेटें हैं, इस पे 6 लग जाएंगी, बाद में 2 खरीद के वो भी इस पे सेट कर देंगे। ये शाम तक सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह, जैसे सेट होंगे फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। गाइस ये देखें, मैंने यहाँ पे ना अभी ये पानी इनको लगाया है ताकि इनकी मजबूती टाइट हो, मजबूती बढ़ेगी तो ये आंधी वगैरह कुछ भी हो, छोटे छोटे पिलर हैं इनको मजबूत करने के लिए। बाद में मैंने जो है ना इन पे यहाँ पे जो है ना इनको सेट करना है, इन वायर लगा के तार लगानी है और कील ठोक के नीचे वहाँ से बांध देना है, तो ये मजबूत हो जाएंगी इस तरह से। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे खास इसका पता नहीं है कि इस तरह से मजबूत होते हैं, किस तरह मजबूत होती हैं। मैंने एक बंदे को भी बुलाया, अभी इनको ना कलर करवाना है मैंने, ये देखें ये जंग आ रहा है इनके ऊपर, कलर करवाऊंगा, कलर करवाने के बाद जो है फिर इसके ऊपर ना इस शाम तक फिटिंग हो जाएगी। काम क्या करो तो आप बेस्ट रहोगे, काम नहीं करोगे तो आप सुस्त रहोगे। मेरी मम्मा नीचे से अपने वो कह रही है कि सुस्ता मर जाएगा। अम्मी पानी भरीज गए,
हाँ भाई, क्या हाँ भाई,